हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दसी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये मेरे लड्डू गोपू का श्रृंगार है, ये भी करवा चौथ का ही है। देखो सबकी ड्रेसेस सेम सेम ही है। ड्रेस मैंने पहना दी है, लाडली गोपी की वीडियो कल डाल दी थी, अब ये मैं इस टाइम डाल रही हूँ वीडियो। और ये मैंने कुंदन हार पहना रही हूँ, कितना सुंदर सा ऐसे लगता है डायमंड से चमक रहे हैं, लेकिन ये कुंदन की माला है। और मेरा देखो गोपू आज तो बिल्कुल सीधा देख रहा है कैमरे में, थोड़ा सा ऊपर देख रहा है, अभी थोड़ी देर में नहीं सामने भी देखेगा, है ना गोपू? छोना बच्चा ये, छो चाचा बच्चा ही। हाँ अब ये गोपू ने माला पहन ली, देखो मैं इसको कह रही हूँ बिल्कुल सामने देखे जा रहा है, इतना प्यारा आ रहा था मुझे। और मेरे लड्डू को देखो कैसे भोला भंडारी बन के बैठा, वो इतना सुंदर बच्चा, तो उनको भी मैंने पहना दी है। देखो बाबू चाहे बाबू बाबू, छोटे छोटे बच्चे हैं सुंदर से। तो अब ये दोनों को मैंने ड्रेस पहना दी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस है बाबू की दोनों की। और अब मैं इन्हें पहनाऊँगी ये वाले कड़े, ये काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, सुंदर लगते हैं। तो पहले पहनेगा गोपू, क्योंकि गोपू फर्स्ट आगे बैठा है और लड्डू बाबू बड़ा है तो थोड़ा सा पीछे बैठा है। तो ये पहले वाले घर की है, एक ने मुझसे पूछा था कि आपके ये पहले घर की है। हाँ जी ये मेरे पहले घर की है, शरद पूर्णिमा की भी पहले घर की होगी जो वीडियो आएगी। यहाँ पर तो खाली दिवाली ही हुई है अभी मेरी, और उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई दी है। तो मैंने लड्डू बाबू को भी कड़े पहना दिए। और देखो छोने बच्चे कितने सीधे सीधे मेरे बच्चे हैं। देखो अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि होठों से हट गई है, और देखो फैला ली है, अब इसको मैं साफ करूँगी यहाँ से। कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे छोटे से होठ बाबू के, फिर फैला ली, बार बार फैलाता जाएगा मेरा लड्डू बाबू। और गोपू के तो वैसे लगी हुई है, गोपू के तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। और गोपू को देखो ऐसे बिल्कुल सीधा हिली नहीं रहा, फिर भी लगा दी है मैंने और भी अच्छे अच्छे से होंठ दिखेंगे इसके बीच बीच में, रेड साइडों में पिंक। और लड्डू को देखो हो कितनी सुंदर से लग रहा है, टेढ़ी सी स्माइल हो। तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे से कैमरे को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब क्या करेगी हमारी मैया। देखो ये मैंने विग लगाई है, यानी बाल लगाए हैं, ये दूसरे कर्ल वाले बाल हैं। और इस पर थोड़ा सा ये वाले बालों पे ना ये थोड़े मोटे होते हैं ऊपर से बाल, तो पगड़ी बहुत मुश्किल से टिकती है इस पर। और पगड़ी पे मैंने ये लगा दिया था, अटैचमेंट कह सकते हो या फिर चोकर हार कह सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छे से अलग सा लुक आ जाए। जो भी मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ भी मैंने लगा दिया है, ये देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। कितने सोने मेरे बच्चे हैं, दोनों बाबू बाबू प्यारे प्यारे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मुझे मेरे फॉलोवर ने ही किसी ने बताया कि कोई है मेरे, वो मेरा ही इस्तेमाल कर रही है अपनी वीडियो में, कभी कुछ मेरी जो बातें लेके वीडियो में बोलती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से उसका काम चल रहा है तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि अगर व्यूज़ की बात है या किसी चीज़ की बात है तो बात ऐसी है, व्यूज़ का क्या मतलब होता है कि लोगों ने देखा। हम सब यहाँ यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, आप सबको दिखाने के लिए बना रहे हैं, सिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, दोनों काम होते हैं। तो मन होता है जब हम आपके लिए कर ही रहे हैं तो आप लोग देखें, उसको व्यूज़ बोलते हैं, है ना। तो रही बात कि भाई लोगों ने बोला कि रोना रो रही है ये वो, आज तक भगवान की कृपा से मैं कभी आपके सामने नहीं रोई कि इमोशनल ब्लैकमेल कर करके फॉलोवर बढ़ाऊं, जैसे कि खुद ने कभी करा था, तो वो मैं नहीं करती हूँ और ना मैं ये बात कहती भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं कह रही हूँ। और जिसने बातें कही उनके लाखों लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, फिर भी 7-8 हज़ार ही व्यूज़ आते हैं, भगवान की कृपा से हमारे 50 भी नहीं, फिर भी एक वीडियो पे 10-10 हज़ार व्यूज़ आए हुए हैं एक दिन में, ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी है जो वो मेरी वीडियो ज़रूर देखती है, तभी उसको पता है, क्योंकि जितने आपका कोई हेटर होगा वो आपकी वीडियो ज़रूर देखेगा, तो वो वीडियो देखती है। तो मैडम जी थोड़ा सा कंट्रोल में, ठीक है ना, क्योंकि तुम बोल सकते हो तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मैं शांत हूँ तो शांत ही रहने दीजिए प्लीज़ मच्छड़ी। तो ये देखिए अब मैंने, क्योंकि मैंने क्लियर करा, क्योंकि मेरे भी सब फॉलोवर बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं कहती, वो हर वीडियो में आपका कुछ ना कुछ टोन मारती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने फॉलोवर के लिए सब बोल दूँगी।
और ये देखिए मैंने कितना सुंदर से इनके स्टोन लगा दिया है। तो जय श्री राधे, जरूर से बताना आपको कैसा लगा।